सोलन के कोठो पंचायत के तहत सोलन शहर का पहला ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो चुका है। इस ऑडिटोरियम का करीब 90% कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि ऑडिटोरियम का 90% कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य को तेजी से किया जा रहा है। अगले कुछ महीनों के अंदर यह ऑडिटोरियम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जहाँ तक लोगों को मिलने वाली सुविधाओं का प्रश्न है, तो इसमें ये आर्ट लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, उनके तत्वाधान में होगा, उनकी ओनरशिप में ये बिल्डिंग बन रही है। इसके कार्य की जहाँ तक बात है, तो लगभग 90% के आसपास कार्य हमारा पूरा हो चुका है और आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर हम इसको कंप्लीट करके हैंड ओवर कर देंगे। थोड़ा सा फिनिशिंग का कार्य बचा हुआ था, वो हमारा आजकल चल रहा था, थोड़ी पहले फंड्स की प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब वो रेगुलराइज हो गया, फंड्स आ गए, अब हम इसमें आगे बढ़ चुके हैं और थोड़ा काम चल रहा है। जहाँ तक सुविधाओं की बात है, तो इसमें देखिए, एक तो ऑडिटोरियम, जैसे नाम बताया ऑडिटोरियम है, इसमें लगभग 640 के आसपास सीटिंग कैपेसिटी की जो चेयर्स लगी हुई हैं, जो उसमें ऑडियंसिस के लिए होती हैं, बाकी स्टेज होगा, तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी कोई प्रोग्राम फंक्शंस होते हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए एक ऑडिटोरियम उपलब्ध होगा। इसके साथ ही इसमें आर्ट गैलरी, म्यूजियम वगैरह भी होगा जो उसमें होगा। उसके साथ ही 30 बॉयज़ एंड 30 गर्ल्स की एक डॉर्मेटरी सुविधा उपलब्ध है, जो भी पार्टिसिपेंट होंगे या कलाकार उनको रहने की व्यवस्था है। साथ में और भी एलाइड फैसिलिटीज़ हैं, DLO का ऑफिस जो है वो कम्प्लीटली वहीं शिफ्ट हो जाएगा और कैंटीन फैसिलिटी भी होगी, जो भी सारी जो भी उसकी एलाइड फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटी उसमें बिल्कुल होती है।